सो गाइस, मेरा नाम है अभिनव, आप देख रहे हैं डीजी डॉटी। अब तक एओएसबी थीम यानी स्टॉक एंड्रॉयड थीम का 2 वर्जन आ चुका है एंड उन थीम्स में ज़रूरत थी कुछ अपडेट्स की। सो काफ़ी ऑसम अपडेट्स के साथ आज की वीडियो में मैं आपके साथ एओएसबी थीम का वर्जन 3 शेयर करने वाला हूँ, जो आपके फ़ोन को पूरी तरीके से स्टॉक एंड्रॉयड में कन्वर्ट कर देगा एंड आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप कोई रियलमी का फ़ोन यूज़ कर रहे हो। वैसे वीडियो को पूरा ज़रूर देखेगा, क्योंकि अगर आप एक भी पॉइंट मिस करते हैं तो हो सकता है कि आपके फ़ोन में थीम अप्लाई ना हो। बात करें थीम की, तो अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको होम स्क्रीन कुछ इस तरीके का मिल जाएगा, नोटिफिकेशन पैनल कुछ इस तरीके का मिलेगा, लॉक स्क्रीन का इंटरफेस कुछ ऐसा है जिसका आप वॉलपेपर भी चेंज कर सकते हो, डायलर का इंटरफेस कुछ ऐसा मिल जाता है, मैसेजेस ऐप का इंटरफेस कुछ ऐसा है, सेटिंग्स का इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके का मिल जाता है एंड साथ ही स्टेटस बार के नेटवर्क बार, बैटरी आइकन एंड सारे आइकॉन्स भी मॉडिफाइड हैं, जो कि प्योर स्टॉक एंड्रॉयड का फील दे रहे हैं। एंड फाइनली बात करें डार्क मोड की, तो डार्क मोड इनेबल करने के बाद आपके फ़ोन का लुक कुछ इस तरीके का हो जाने वाला है। बाय द वे गाइस, मैं आपके साथ एक ऐप शेयर करना चाहता हूँ। आप या आपके फैमिली में कोई या आपका कोई फ्रेंड हमेशा ऑनलाइन साइट जैसे आजियो, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह से ऑर्डर करते ही रहते हैं एंड उन साइट्स पे आपको हमेशा 40% ऑफ, 60% ऑफ का डिस्काउंट देखने को मिलता है। बट आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिससे आप उस डिस्काउंट के अलावा भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हो एंड साथ ही कमीशन भी कमा सकते हो। इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अर्न करो का लिंक मिल जाएगा। अर्न करो आज की डेट में वन ऑफ द बेस्ट एफिलिएट प्लेटफॉर्म है, जो कि आपको सबसे ज्यादा कमीशन प्रोवाइड कराता है। अब आपको सिंपली करना यह है कि आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके यहाँ पे अपना ईमेल, फोन नंबर वगैरह डाल के न्यू अकाउंट बना लेना है। एक्चुअली मेरा अकाउंट पहले से ही है, सो मैं साइन इन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं कोई भी साइट ओपन कर लेता हूँ, जैसे मिंत्रा। अब मान लीजिए मेरे किसी फ्रेंड को ये टी शर्ट खरीदना है, तो मैं सिंपली इस टी शर्ट के लिंक को कॉपी करूंगा एंड अर्न करो में ऊपर एक लिंक का आइकॉन है सेकेंड नंबर पे, उस पर क्लिक करूंगा एंड जो प्रोडक्ट का लिंक कॉपी किया था उसे पेस्ट करके मेक प्रॉफिट लिंक पे क्लिक करूंगा और बस आपका वो नॉर्मल बाइंग लिंक एक प्रॉफिट लिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इस लिंक से कोई भी वो प्रोडक्ट बाय करेगा तो आपको कमीशन मिलेगा। साथ ही ऐसा नहीं है कि सामने वाले बंदे या बंदी को एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे, उस टी शर्ट या प्रोडक्ट का प्राइस पहले जितना था उतना ही रहने वाला है। सो सिंपली आपको यहाँ से ये प्रॉफिट लिंक कॉपी करना है एंड जिस भी फ्रेंड को शेयर करना हो कर सकते हो। साथ ही साथ ये ट्रिक सिर्फ मिंत्रा पे या सिर्फ टी शर्ट के लिए नहीं है, आप किसी भी शॉपिंग साइट या किसी भी प्रोडक्ट के लिंक को प्रॉफिट लिंक में कन्वर्ट करके पैसे अर्न कर सकते हो। एंड अगर आपको भी कुछ लेना हो तो बस एक प्रॉफिट लिंक बनाओ एंड खुद के लिंक से खुद ही शॉपिंग करके कमीशन या एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाओ। सो लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, एक बार जाके चेक जरूर कर लेना। सो थीम को अपने फ़ोन में अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले तो थीम फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका डाउनलोड लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे ये आता है कि आपको सिंपली अपने फ़ोन का जो थीम स्टोर ऐप है उसे आपको ओपन करना है, जाना है मी में, देन आपको जाना है माई रिसोर्सेज में। यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट थीम ये जो है, सिंपली आपको इस थीम को अपने फ़ोन में अप्लाई कर लेना है। डिफ़ॉल्ट थीम अप्लाई करने के बाद सिंपली आपको अपने फ़ोन में फाइल मैनेजर ओपन करना है, जाना है फ़ोन स्टोरेज में, देन आपको जाना है ऑल फाइल्स में एंड यहाँ पे आपको एक कलर ओएस फोल्डर मिलेगा, सिंपली आपको इस कलर ओएस फोल्डर को डिलीट कर देना है। कलर फोल्डर डिलीट करने के बाद आपको थीम स्टोर ऐप पे लॉन्ग प्रेस किए रहना है, देन आपको जाना है ऐप इन्फो में। ऐप इन्फो में जाने के बाद सिंपली आपको इस ऐप को फोर्स स्टॉप करना है सबसे पहले, उसके बाद जाना है स्टोरेज यूजेज में। यहाँ पे जाने के बाद सिंपली आपको क्लियर डाटा का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको इस ऐप का डाटा क्लियर कर देना है। इसके बाद आपको होम बटन प्रेस करना है, देन आपको जाना है फाइल मैनेजर में एंड आपने थीम फाइल को डाउनलोड करके जिस भी फोल्डर में रखा हुआ है सिंपली आपको उस फोल्डर में जाना है। तो यहाँ पे ये जो थीम फाइल है सिंपली आपको इस पर टैप करना है, देन आपको स्टार्ट टू डीकंप्रेस पे टैप करना है। उसके बाद यहाँ पे एक न्यू फोल्डर जो क्रिएट हो जाएगा एओएसबी थीम वर्जन 3 के नाम से, आपको इस पर क्लिक करना है, देन आपको इसके अंदर एक थीम फाइल जो है वो देखने को मिलेगा, सिंपली आपको इस पर टैप करना है, देन आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे ट्राई मी बटन पे टैप करना है, डॉट की बटन पे टैप करना है एंड ये जो थीम है वो अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। सो थीम जो वो अप्लाई हो चुका है, अब आपको फाइल मैनेजर ऐप ओपन करना है, जाना है फ़ोन स्टोरेज में, देन जाना है ऑल फाइल्स में एंड यहाँ पे अगेन एक कलरस फोल्डर जो बन गया होगा, अगेन आपको इस कलरस फोल्डर को डिलीट कर देना है। इसके बाद होम बटन प्रेस करना है एंड यहाँ पे मेरे फ़ोन का जो डाटा कनेक्शन है वो आप इसी में ऑन कर लेता हूँ। उसके बाद आपको अपने फ़ोन का जो थीम स्टोर ऐप है उसे ओपन करना है, ओके पे टैप करना है, एग्री पे टैप करना है एंड देन आपके फ़ोन का थीम स्टोर ऐप ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक सर्च बार देखने को मिलेगा, सिंपली आपको इस पर टैप करना है, देन आपको सर्च करना है स्टेडी।
यहाँ पे आप स्टडी सर्च करोगे, आपको यहाँ पे एक थीम तो स्टडी देखने को मिलेगा, बट आपको ये वाला थीम डाउनलोड नहीं करना है। आपको थीम डाउनलोड करना है स्टडी नाइट ऑन ट्रीज, ये वाला थीम को सिंपली आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है। डाउनलोड जो है वो स्टार्ट हो चुका है एंड थोड़े टाइम में ये आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। सो ये जो थीम है वो डाउनलोड हो चुका है, अब आपको इस थीम को अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको इस थीम को डाउनलोड करना है। देन आपको बैक बटन प्रेस करना है, होम बटन प्रेस करना है एंड इसके बाद आपको अपने फ़ोन को एक बार जो है वो रिबूट कर देना है। सो हमारा फ़ोन जब रिबूट होके ऑन हो चुका है और आपको कुछ इस तरीके का लॉक स्क्रीन देखने को मिल जाता है। अब बात करें लॉक स्क्रीन वॉलपेपर की, तो लॉक स्क्रीन वॉलपेपर चेंज करने का यहाँ पे दो तरीका है। तो सबसे पहला तरीका ये आता है कि आप कोई भी लॉन्चर यूज कर सकते हो, कोई भी थर्ड पार्टी लॉन्चर यूज करो या आप कोई भी अदर फोटोज ऐप यूज कर सकते हो, कोई भी अदर गैलरी ऐप यूज कर सकते हो एंड उसमें जाके आप गैलरी में जाके किसी भी फोटो को सिलेक्ट करके सेट एज लॉक स्क्रीन वॉलपेपर करोगे तो आपके फ़ोन का जो लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर है वो ईजिली चेंज हो जाएगा। बट किसी किसी फ़ोन में वो जो मेथड है वो काम नहीं करता है। सो उस सिचुएशन में सिंपली आपको अपने फ़ोन में फोटोज ऐप को ओपन करना है, देन आपको जो भी इमेज को एज ए वॉलपेपर यूज करना है उसे आप यूज कर सकते हैं। आपको जाना है मोर में, देन आपको जाना है सेट एज वॉलपेपर में, सेट एज पे टैप करना है एंड आपको सेट बोथ पे क्लिक करना है। आपको इन दोनों पे टैप नहीं करना है, आपको सेट बोथ पे टैप करना है एंड ये जो सेटिंग है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा एंड वॉलपेपर सेट हो जाएगा। अब सिंपली आपको अपने फ़ोन को एक बार रिबूट कर देना है। सो फोन जो है वो रिबूट होके ऑन हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि लॉक स्क्रीन का जो वॉलपेपर है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। साथ ही गाइस, अगर आप इस थीम के ऐसे होम स्क्रीन से खुश नहीं हो और आपके अपने फ़ोन में कुछ ऐसा होम स्क्रीन चाहिए तो इसके लिए आपको कुछ ऐप्स को डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका डाउनलोड लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उनमें से कुछ ऐप जो वो पेड है, आपको तो पता होगा कि पेड ऐप्स को फ्री में डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, बट अगर आप फिर भी डाउनलोड नहीं कर पा रहे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर मैं आपको पेड ऐप्स का फ्री लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने फ़ोन में नोवा लॉन्चर ऐप को ओपन करना पड़ेगा, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड अप्लाई पे टैप करना होगा, अगेन नोवा लॉन्चर ऐप ओपन करना पड़ेगा, होम स्क्रीन पे लॉन्ग प्रेस सेटिंग्स, देन नॉट सेट एज डिफॉल्ट पे टैप करके आपको होम स्क्रीन ऐप्स में जाना है, देन आपको यहाँ पे नोवा लॉन्चर को सेट एज डिफॉल्ट लॉन्चर कर देना है। इसके बाद आपको होम स्क्रीन पे लॉन्ग प्रेस करना है, जाना है सेटिंग्स में एंड सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैकअप एंड इंपोर्ट सेटिंग्स का, आपको इसमें जाना है। देन आपको रिस्टोर और मैनेज बैकअप्स का ऑप्शन मिलेगा, इसमें जाना है। देन आपको डॉक्यूमेंट स्टोरेज के नीचे ब्राउज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको टैप करना है एंड इसके बाद आपने नोवा बैकअप फाइल को डाउनलोड करके जिस भी फोल्डर में रखा हुआ है उस फोल्डर में जाना है एंड ये जो नोवा बैकअप फाइल है इसके लास्ट में डॉट नोवा बैकअप होना चाहिए। अगर उसके लास्ट में डॉट नोवा बैकअप ऐसे नहीं लिखा हुआ है तो ये जो फाइल है वो ओपन नहीं होगा। तो अगर ऐसा नहीं है तो आप रीनेम करके डॉट नोवा बैकअप लास्ट में लगा सकते हो। तो सिंपली आपको इस पर टैप करना है, ओके पे टैप करना है एंड आपके फ़ोन में जो डिफॉल्ट लॉन्चर है वो ओपन हो जाएगा। सो अगेन आपको नोवा लॉन्चर ऐप को एक बार ओपन कर देना है। तो यहाँ पे आपको होम स्क्रीन कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा, सिंपली आपको इस विजिट पर टैप करना है। इसके बाद आपको स्काईलाइन KWGT ऐप पे टैप करना है, यहाँ पे आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाना है एंड आपको विजिट नंबर जो 39 है इस पर आपको टैप करना है। देन आपको कुछ ऐसा इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे जाना है ग्लोबल्स में, यहाँ पे आपको अपना नाम जो है उसे चेंज कर देना है, ईमेल चेंज कर देना है एंड यहाँ पे आप पिक इमेज पे टैप करके अपना कोई भी इमेज सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद सिंपली आपको सेव बटन पे टैप करना है, होम बटन पे टैप करना है एंड आपका फ़ोन का होम स्क्रीन कुछ ऐसा दिखने लगेगा। सो दैट्स इट फॉर गाइज, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो अपने रियलमी वाले फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। मैं बना मिलता हूँ अपने अगले कमाल के वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय बाय।